और आगे बढ़ते हुए बात दिल्ली की करते हैं, जहां सियासी लड़ाई में क्राइम ब्रांच की एंट्री हो चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक्शन तेज होता हुआ दिखता है। विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों का सच जानने के लिए आज भी क्राइम ब्रांच की टीम अरविंद केजरीवाल के घर जा सकती है। कल दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम सीएम केजरीवाल के घर नोटिस देने पहुंची थी। नोटिस लेकर दिल्ली पुलिस की टीम जब सीएम आवास पहुंची तो सीएम केजरीवाल घर पर नहीं थे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद के घटनाक्रम को समझिए हमारी इस रिपोर्ट में। आप और बीजेपी की लड़ाई में रैली के बाद अब क्राइम ब्रांच की एंट्री हुई है। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें दिल्ली की हैं, जहां दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम सीएम केजरीवाल के आवास पहुंची। दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं सख्त नजर आ रही है और दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो सीएम केजरीवाल के घर पहुंची। यही वो सीएम केजरीवाल का घर है जहां दिल्ली पुलिस की तरफ से क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची। मामला है आम आदमी पार्टी के विधायकों की खरीद फरोख्त का। जी हां, आपके आरोप के मामले में क्राइम ब्रांच के एसीपी केजरीवाल को नोटिस देने उनके घर पहुंचे। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि बीजेपी उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है, जबकि आतिशी ने आपके 21 विधायकों को तोड़ने के लिए 25 लाख देने की पेशकश के आरोप लगाए और इस संबंध में आपके 7 विधायकों से संपर्क करने की भी बात कही। फिर क्या बीजेपी ने इन आरोपों के आधार पर 30 जनवरी को एफआईआर दर्ज करा दी? अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया था कि भारतीय जनता पार्टी उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है, जिसकी हमने पुलिस में शिकायत की थी। हमने पहले दिन कहा था कि अरविंद केजरीवाल आप झूठ बोल रहे हैं, आप दिल्ली में सनसनी पैदा करना चाहते हैं, आप राजनीतिक जमीन खो चुके हैं, आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। दरअसल ये कोई पहला मौका नहीं है। केजरीवाल ने कई बार आप पार्टी तोड़ने के आरोप लगा चुके हैं, लेकिन इस बार बीजेपी थाने पहुंच गई और आपके आरोपों को झूठा करार दिया और पुलिस जांच की मांग की। हमें बहुत ज्यादा खुशी है कि आज पुलिस ने जाकर नोटिस सर्व करा है माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी और माननीय मंत्री आतिशी जी पे, ताकि वो आए जांच में जुड़े और अपने इस कुकर्म की जवाबदेही पुलिस के सामने रखें। बता दें कि दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की एक टीम जब केजरीवाल के घर पहुंची तो वो घर में मौजूद नहीं थे, इसलिए पुलिस टीम को खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। वहीं मुख्यमंत्री आवास के मुताबिक पुलिस से अधिकारियों ने नोटिस मांगा, लेकिन पुलिस बिना नोटिस दिए ही लौट गई। बताया जा रहा है कि पुलिस आज भी केजरीवाल के घर जा सकती है।